जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पंचायत सहायकों का इस्तीफा का दौर थमता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी लगातार पंचायत सहायक इस्तीफा दे रहे हैं और फिर 54 पंचायत सहायकों का इस्तीफा यहां पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी है, आपको हर एक पॉइंट बताने वाले हैं क्या जानकारी है और पंचायत सहायकों ने आखिर क्यों इस्तीफा दिया है, ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएं और समझ पाएं। दोस्तों, जानकारी बहुत शानदार इसलिए है कि पंचायत सहायक बार बार नौकरी छोड़ रहे हैं। आखिर उसका कारण क्या है? मेन कारण है कम मानदेय, ये सभी को पता है। बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि पंचायत सहायकों को दूसरी नौकरी में इंटरेस्ट है तो वो लोग दूसरी नौकरी करने चले जा रहे हैं या फिर पढ़ाई करके दूसरी नौकरी की तैयारी में भी जुट रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो अपडेट है, यह पंचायत सहायक खुद ब खुद इस्तीफा दे रहे हैं और इसमें ऐसा कोई एक्चुअल पॉइंट देखने को भी नहीं मिल रहा है कि पंचायत सहायक कोई गंभीर बात बोले हो कि नहीं, मैं इस कारण से इस नौकरी को इस्तीफा दे रहा हूँ, यानी ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। दोस्तों, अगर इसका मानदेय ज़्यादा होता तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी पंचायत सहायक इस नौकरी को नहीं छोड़ता, लेकिन कम मानदेय की वजह से 6,000 रुपये में गुजारा नहीं हो पाने की वजह से पंचायत सहायक यहाँ पर लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट क्या है, कहाँ के पंचायत सहायकों ने ये नौकरी छोड़ी है और एक साथ 54 पंचायत सहायकों का अपडेट यहां पे निकल के आ रहा है। आपको हर एक जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो अपडेट दिखाता हूं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। 54 पंचायत सहायकों का इस्तीफा, सबसे ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो लिखा हुआ है सहायकों ने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारण बताया, सहायकों को करना है अहम कार्य। नीचे मैं आपको दिखा दोस्तों, अंबेडकर नगर की खबर है और ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवनों पर बनाए गए ग्राम सचिवालय में काम करने के लिए नियुक्त किए गए 54 पंचायत सहायकों डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने पदों को इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताया है। कुछ पंचायत सहायक ऐसे भी हैं जिन्होंने चयन होने के बाद अभी तक कार्यभार ही नहीं ग्रहण किया। सरकार के ग्राम पंचायतों में बनाए गए पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया था। वहां पर काम करने के लिए पंचायत सहायक को डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई थी। इन्हीं पंचायत सहायकों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के आवेदन के साथ अन्य तरह का लाभ मिलना था। चुनाव से पहले सभी 902 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति हो गई थी। अब सरकार पंचायत भवनों को इंटरनेट और वाईफाई से जोड़ने का काम कर रही है। इसी बीच जिले के 9 विकास खंड में कुल 54 पंचायत सहायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे अब उन ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत आएगी, फिर से हो सकती है रिक्त पदों की भर्ती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी रिक्त पद थे उसकी सूची आ गई है और आप लोग पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं और वो सूची भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके वो सूची मांग लेंगे तो आपको वो सूची मिल जाने वाली है। और अगर बहुत सारे पंचायत सहायक ऐसे थे जो बार बार कॉमेंट्स कर रहे थे कि सर कब होने वाली है भर्ती, जहाँ पे नहीं हुई है, तो उनके लिए बड़ी अपडेट है कि भर्ती शुरू हो गई है। आगे पंचायत सहायकों के इस्तीफा देने के बाद विभाग रिक्त पदों पर फिर से भर्ती कर सकता है। यह प्रक्रिया तेज़ी से शुरू होगी क्योंकि आने वाले दिनों में ग्राम सचिवालयों को पूरी तरह सक्रिय किया जाना है। इन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों ने दिया है इस्तीफा, फतेहपुर, ककरदिला, इस्लामपुरगंज, जैनापुर, कुड़वा, मोहम्मदगढ़, मुबारक मरेला, रामपुर, मंगूराडला, सुलेमपुर, सुलहनतारा, कयामुद्दीनपुर और खानसा, दानपट्टी, बसखारी विकास खंड के बड़ियानी कला, बीबीपुर और शमसुद्दीनपुर के पंचायत सहायक ने पद छोड़ दिया है। भीटी विकास खंड के पर्याय रानीवा और करमजीत, भिया विकास खंड के फूलपुरी, सुंदास, मठिया, नूरपुर कला, पामीपुर और पर्वतपुर, जहांगीरगंज के पखड़ूमपुर के मुबारकपुर, पिकारा, जलालपुर विकास खंड के जितौना कला, दाऊदपुर, धैरुआ, फकरपुर, हाजीपुर, शकरापुर,
उनेसी, फपूर और सिसारा कटेहरी विकासखंड के अहिरौली, आमा, अंगवल, बेनीपुर, डरबन, खेमापुर, महरुआ गोला, मथानी, राम लपारा, टिकरी, रामनगर विकासखंड के अछती, राउतपारा, सहजना, हमजापुर, टांडा विकासखंड के बिहटा, हकीमपुर, हुसैनपुर, कटरिया, सदरपुर, तुलसीपुर और गोवर्धनपुर में चयनित पंचायत सहायक ने अब तक कार्यभार नहीं संभाला था। पूर्व में ग्राम पंचायतों में मेरिट के आधार पर चयनित 58 पंचायत सहायकों ने व्यक्तिगत कारणों से त्याग पत्र दे दिया है। कुछ को दूसरी जगह नौकरी मिल गई तो कुछ के आगे भी पढ़ाई को भी कारण बताया है। इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उच्च अधिकारियों के आदेश पर रिक्त पदों पर फिर से भर्ती की जाएगी। दोस्तों देखा आपने कैसे एक साथ 54 पंचायत सहायक यहाँ पे इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने ऐसा कोई एक्चुअल कारण भी नहीं बताया है कहाँ के पंचायत सहायक थे। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि नौकरी छोड़ने का मेन मकसद है कम मानदेय। हालांकि ये चीज़ तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी देख रहे होंगे कि आखिर पंचायत सहायक नौकरी छोड़ रहे हैं तो मानदेय कम बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो एक साल बाद कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ मानदेय में बढ़ोतरी भी होने वाली है और पंचायत सहायकों का जो कार्य है उसमें भी विस्तार होने वाला है और पंचायत सहायक का जो कार्यकाल है वो भी 2 साल के लिए फिर से बढ़ने वाला है। ये सच्चाई है। और जो पहले आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था ग्राम प्रधान से उसमें भी लिखा हुआ था कि अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो फिर आपका एग्रीमेंट 2 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया जाएगा। यही सच्चाई है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों। जय हिंद।